दोस्तों, कोई किस्सा नहीं, हकीकत सुनाऊंगा। रात आधी थी, बात पूरी बताऊंगा। रात आधी थी, बात पूरी बताऊंगा। तो आधी रात जिस वक्त प्रेमी जोड़ों को छोड़कर सारा जमाना सोता है, आधी रात जिस वक्त प्रेमी जोड़ों को छोड़कर सारा जमाना सोता है, किस्सा शुरू यूं होता है। दरअसल बहुत सारे किस्सा को जामा मस्जिद पर किस्सा सुनाते हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। किस्सा गोई के अंदाज में ही है। किस्सा शुरू यूं होता है, जंगलों से घिरे, गुप्त अंधेरे से भरे एक राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच एक इंसान नुमा चीज पसरी पड़ी थी और सामने से आते ट्रक की लाइट भी ब्राइट बड़ी थी। ड्राइवर ने सोचा, या तो ये अगले ट्रक से गिरा हुआ कोई माल है या फिर कोई नशेड़ी कंगाल है। फिर उसके मन में सवाल उठा, एक आदमी मारूं या ब्रेक। आदमी मारूं या ब्रेक, हो सकता है पहले से ही मरा मराया हो या मेरी सहायता से मरने आया हो। खैर साहब, कस के ब्रेक मारे, टायर टें बोल गए सारे, समझिए कि ट्रक लगभग घिसटते घिसटते ही रुका था। तब तक सड़क का सामान खड़ा हो चुका था। ड्राइवर साहब नीचे कूदे, बोले, ओ बेहूदे, मच्छर की औलाद खच्चर की लीद, सड़क पे ले रहा था ससुराल की नींद। ये सड़क तेरे बेडरूम की चारपाई नहीं, मौत की कढ़ाई है। बोल कितनी दारू चढ़ाई है। खड़ा हुआ सामान बोला, हजूर, मैं हूं जंगल का एक मजूर, न तो मैंने ताड़ी चढ़ाई है, न तुमने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है। न तो मैंने दारू चढ़ाई है, न तुमने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है। सड़क पर तो मेरा नसीब मुझे लाया था, अच्छा पट्टे तो तू मरने आया था। हाँ, ड्राइवर बोला, अब तो तू बच गया, अब मरेगा कहां। सामान बोला, भगवान बड़ा दयालु है, सड़क तो चालू है। तुम्हारे बाद दूसरा ट्रक आएगा, कुछ भी कर ले वो मेरी हत्या से नहीं बच पाएगा। आदिवासी है? नहीं हजूर, बंदा भारतवासी है। नहीं हजूर, बंदा भारतवासी है, रोजगार मंदा है, चौपट धंधा है, मरना चाहता हूं साहब, क्योंकि भुखमरी और कड़की थी, घर में एक अदद माँ, एक अदद जोरू और एक अदद मुर्गी थी, बिना दवाई के माई देह त्याग गई, जोरू पड़ोसी के साथ और मुर्गी पड़ोसी के मुर्गे के साथ भाग गई। जिंदगी काटूं किसके सहारे, तुमने ब्रेक क्यों मारे। क्या नाम है? नाम हजूर मसला राम है। चल, मसला हो या मसली, दोस्ती चीज है असली, देख दोस्ती हो गई,
इसलिए अभी तेरे मरने में देर है, पीछे बैठ जा, वहां लोहे लंगड़ का ढेर है। तो हाजरीन तमाशबीन किस्सा गोई के शौकीन दोस्तों, फिर ट्रक आगे बढ़ा, आगे बढ़ी रात, आगे बढ़ाता हूं बात, तो सुनिए आगे की पुलिस चौकी की वारदात। चौकी पर फोन घन घन आया, सीसी जूसी सो रहे थे किसी ने ना उठाया। चौकी पर फोन घन घन आया, सीसी जूसी सो रहे किसी ने ना सुना। सीसी माने सीनियर सिपाही, जूसी माने जूनियर सिपाही। तो साहब सड़क पर सुपर सन्नाटा, पर चौकी में ध्वनियां गरज रही थी, सीसी जूसी की नाक और टेलीफोन की घंटी तीनों बज रही थी। अचानक सीसी हड़बड़ाया, कौन है? जूसी बड़बड़ाया, टेलीफोन है। आधी नींद के मीठे सपनों में दोनों अपने लिए अलग अलग आधी ढकी कन्याएं करंटी चुनते रहे, अर्ध जागृति में घंटी भी सुनते रहे। जैसे तैसे थमा खर्राटों के भाटों का ज्वार, सीसी ने ऑर्डर दिया, उठा के वापस रख दे एक बार। जूसी रिसीवर उठाकर रखने को ही था, पर इस दौरान जो स्वर सुना वो बड़ा निर्मोही था। कर दूंगा सस्पेंड, फोन क्यों नहीं करते अटेंड। जूसी घिघियाया, सर सर सीसी सूसू करने गया था। तो तू कहां मर गया था? जी मैं उन्हें देख रहा था। दूसरों की सूसू देखने जाता है? जूसी बोला, नहीं सर, टेलीफोन सीसी उठाता है। तुम दोनों पर इंक्वायरी बिठा दूंगा, दुनिया से ही उठा दूंगा, सुनो ध्यान से और बोलो दूसरे जवान से। हाईवे पर तेज रफ्तार धकाधक आ रहा है एक ट्रक, नीली बॉडी ऊपर काला पर्दा है, स्टील स्क्रैप और जिंदा मिसाइलों से लदा है। रोक दो, न रुके तो आगे सड़क में कील ठोक दो। मिसाइलों को डीएक्टिवेट करना है, गारद आ रही है, तुम्हें हमारा वेट करना है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही, यस सर कहते हुए स्टूल पर खड़ा हो गया सिपाही। तो साहब ट्रक को टॉर्च दिखा के रोका गया, बोनट पे डंडा ठोका गया, गाड़ी के कागज दिखाओ, पीछे का पर्दा हटाओ, जरूर कोई गड़बड़ है। ड्राइवर ने कहा, साहब लोहा लंगड़ है, खाड़ी की लड़ाई का मलबा है, इसी से तो लोकतंत्र के कबाड़ियों का जलवा है। खाड़ी की लड़ाई का मलबा है, इसी से तो लोकतंत्र के कबाड़ियों का जलवा है। न ड्रग, न स्मैक, न कोई आइटम नशीला है। अच्छा, ये लोहे का गोल गोल ये क्या है जो आगे से नुकीला है? शायद अस्पताल का सिलेंडर है, देख लो, मुझे किस बात का डर है? अरे ये तो बहुत भारी है, आप ले जाओ साहब, अगर आपके घर में किसी को बीमारी है। तो जूसी और सीसी ने भारी भारी सिलेंडर फेंक दिए खेत में, छिपा दिए रेत में, क्योंकि मिल गए थे सेंत मेंत में, अब हरकत हुई उनकी बेंत में। सीसी बोला, ये कौन? कोने में मसला राम बैठा रहा मौन। अजी इसका नाम मसला है, जमाने ने बहुत मसला है, सड़क पर पड़ा था, आत्महत्या पे अड़ा था, मैंने 5 किलोमीटर पहले ही उठाया, मोहब्बत में पीछे बिठाया, ये सोच के कि शायद मुसीबत का मारा कोई अभागा हो, पूछ लो इससे जो किराया भी मांगा हो, पूछ लो इससे जो किराया भी मांगा हो। जूसी सीसी से बोला, साहब जी हम हो गए कामयाब जी, खोल के देखिए फाइल, क्या लिखा था? जिंदा मिसाइल। पूरे ट्रक में यही एक आइटम जिंदा है, पकड़ में आ गया परिंदा है, इसी को डीएक्टिवेट करना है। सीसी बोला, नहीं, ऑर्डर के मुताबिक वेट करना है। जूसी बोला, साहब जी डंडा हो रहा है बेताब जी, बड़े ऑफिसर डंडे का ऑर्डर नहीं देते हैं। बड़े ऑफिसर डंडे का ऑर्डर नहीं देते हैं,
ऑर्डर नहीं देते हैं, न चलाओ तो उल्टी खबर लेते हैं, ये भी बात है। फिर मसला से बोला, क्या दुबका है, क्या दुबका बैठा है पीछे, उतार नीचे। पुलिस वाले हैं, देख मसले को कैसे मसलते हैं, ट्रक से बच गया, देख हम कैसे कुचलते हैं। जूसी सीसी भीज के बत्तीसी ट्रक पर चढ़कर डंडे से मसलाराम की पसलियां लोकेट करने लगे, मार मार कर मेरी जान से डीएक्टिवेट करने लगे। जूसी सीसी का ये रूप देखकर सहम गई ट्रक में रखी मिसाइलें, सहम गए रॉकेट, सहम गई ट्रक में भरे भरे सारे हथियार। मसलाराम पर पड़ रही थी ऐसी मार, दर्द जब हद से गुजरता है तो आदमी की आंखों में एक तेज दिखाई देता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो आदमी की आंखों में एक तेज दिखता है, वो व्यंग्य से मुस्कुराता है न कि चीखता है, वो व्यंग्य से मुस्कुराता है न कि चीखता है। पीट लो मैं तो मरना चाहता हूं, यहां से नहीं हटूंगा, भारत का आम आदमी हूं, एक घटना की तरह घटूंगा, जब तक खोल में हूं तभी तक कंट्रोल में हूं। जब तक खोल में हूं तभी तक कंट्रोल में हूं। सुन लो, न इशनरी बचेंगे, न मिशनरी, न कमिश्नरी बचेगा, न कमिश्नरी, न विधि बचेगी, न विधान, न संसद बचेगी, न संविधान। जूसी सीसी रह गए पसीने में नहा के, गगन में गूंज रहे थे मसला राम के ठहाके, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, कोई नहीं बचेगा जिस दिन मैं फटूंगा।